नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जैसे कि उसमें मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में हम लोग पढ़ते पढ़ते काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, काफ़ी कुछ टाइप कर लिए थे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम लोग परसेंटेज के वही क्वेश्चन करें जो यूपी टेट और सीटेट के लिए उपयोगी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके यूपी टेट और सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं का डिस्कशन आज हम करेंगे। और वो क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है? परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के चैप्टर से रिलेटेड है। हम लोग चैप्टर वाइज पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन किया करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया है, परसेंटेज के क्वेश्चन जो कि आपके यूपी टेट और सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से भैया आपको पढ़ना है, बड़े ईमानदारी के साथ, और लाइक जरूर कर देना है। जितने लोग जुड़े लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ, जिससे उनको भी इस क्लास का आनंद मिल सके, ठीक है। और भाई आपको मैथ नहीं आती है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पा पड़े निशान। जब पत्थर में निशान बन जाता है तो बार बार प्रैक्टिस करने पर हमें मैथ जरूर आएगी। इस वजह से ये ध्येय बना के चलेंगे, ये उद्देश्य बना के चलेंगे और आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में, आज की क्लास का आनंद लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपका क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि भैया 0.01 के स्क्वायर को परसेंटेज में परिवर्तित करो, परिवर्तित करो, ये है, ठीक है। तो हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको ये ऑप्शन भी दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है 0.01%, ऑप्शन बी दे रहा है 1/100%, ऑप्शन सी दे रहा है 1%, ऑप्शन डी दे रहा है, ऑप्शन डी दे रहा है 1/100%। फिर कहता है कि मतलब इनको कैपिटल में दर्शा दिया गया, फिर उसके बाद कहता है ऑप्शन ए ए कामा सी, ऑप्शन बी बी कामा सी, ऑप्शन सी ए कामा डी, ऑप्शन डी ए कामा डी, ये दे रहा है। हमें क्या पता है? बोले हमें ये पता है कि हम लोगों ने परसेंटेज में शुरुआत में पढ़ा था कि भैया अगर हम परसेंटेज लगाने की बात करें, परसेंटेज लगाने की बात करेंगे तो 100 का गुणा कराएंगे, अगर परसेंटेज हटाने की बात करेंगे तो 100 का डिवाइड कराएंगे। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, और जब ये पढ़ रखा है उसी अनुरूप हम लोग काम करेंगे। तो कहता है 0.01 का होल स्क्वायर को परसेंटेज में परिवर्तित करना है, अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुणा करा देंगे। अब भैया इसको हम लोग अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.01 भैया एक का स्क्वायर तो एक है होता है, लेकिन हमारे पास जो दशमलव हो जाएगा 4 अंक बाद है, ठीक है, गुणा 100 हो गया। तो यहां से हमारा क्या आ गया 0.01%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100% लिख सकते हैं ना। तो यहां से हमारा कौन, ये भी सही हो गया, ठीक है, रुक जाओ ऑप्शन गड़बड़ हो गए क्या, ये भैया ये परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज का निशान नहीं लगा, ठीक। तो हमारे पास कौन कौन हो गया, ए भी सही है और हमारे पास कौन सही है, डी भी सही है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा देंगे ईमानदारी के साथ, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझ,
बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये चाहे यूपी टेट में आया हो चाहे सी टेट में आया हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि भैया 2018 में अमित का वेतन, 2018 में जो अमित का वेतन 1,26,500 रुपए था, ठीक है। वर्ष 2016 से, वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंचा है। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था ये जानना चाहते हैं। ध्यान से देखें, हम ये मान के चले कि वर्ष 2016 में उसका वेतन यक्स था। कितना था? यक्स था। अगर वर्ष 2016 में यक्स रुपए वेतन था तो 2017 में जब आएगा तो 10% बढ़ेगा। ये अपने आप में 100% है, और 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग कराना पड़ेगा। बोले ठीक है, अब ये 2017 की रकम हो गई, ये अब अपने आप में 100% है, लेकिन 2018 में 15% की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो जाएगा? 115%। तब किसके बराबर होगा? 1,26,500, ठीक है। बस इसको कर लेना है साल, आसानी से आ जाएगा आंसर। 0 से 0 कटा, 5 से इसको काट दो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 से 20। क्लियर? अब हम देख पा रहे हैं कि अगर ये भैया कट जाए, ये अगर बोले कट जाएगा, गेरा से काट दो। गेरा से गए, हमने देखा गेरा एक कम गेरा, फिर एक, तो गेरा एक कम गेरा, फिर 5 गेरा 5 = 55, तो गेरा 1,500 आ गया, ठीक है। गेरा 1,500 आ गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 23 से कट जाएगा, 23,500, ठीक। अब ठीक है, अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये 500 रहेगा, और ये जो इधर भाग में है ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 10 × 20, तो 5 × 2 = 10, फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आपका आंसर। इतने रुपए उसका क्या था? वेतन था भैया कब? 2016 में उसका वेतन क्या था? इतना था। कितना था? 1,10,000, 1,00,000 रुपया था। कितना था भैया? 1,00,000 रुपया था। ऐसे इन क्वेश्चनों को आप उड़ा देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में
कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए जिससे जिससे आयत का क्षेत्रफल परिवर्तित ना। ऑप्शन ए 75.5%, ऑप्शन बी 125%, ऑप्शन सी 37.5%, ऑप्शन डी 50%। ठीक है, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप भैया जब ये बोल दिया तो विचार करो, हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है कि नहीं कराया? बिल्कुल कराया है। हमने आपको बताया क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो, क्षेत्रफल परिवर्तित हो तब क्या करते हैं, क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो तब क्या करते हैं। तो हम लोग फार्मूला एक लगाया करते थे, यम अपान 100 प्लस माइनस यम इंटू करते थे ना, वही कर देंगे। लंबाई में 60% की वृद्धि, तो यम की वैल्यू 60, वृद्धि हो रही है तो प्लस आ जाएगा, तो 160 गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना हो गया 600 बटा 16 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर 49 50 12 बचा, 16 7 112, 37.5%, ये आपका है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। बहुत आसान आसान नॉर्मल क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा आपको करने में। भैया ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल कर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की चर्चा करें, चौथा क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या के 75% में, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी ऑप्शन ए 325, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 225। देखो भाई, कहता है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती, वही संख्या का मतलब अपना 100% मिल जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि किसी संख्या का 75%, हमने कहा 75% में हमने क्या जोड़ा, 75 जोड़ा, तो हमें वही संख्या, यानी वही संख्या मतलब 100%, कोई संख्या अपने आप में क्या होती है 100% प्राप्त हो जाता है, तो संख्या बताओ। तो भैया ये 75 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25% की वैल्यू 75, हमको निकालना क्या है संख्या, वो हमको 100% निकालना है, दोनों तरफ करा दो 4 का गुण, तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 5 20 और 4 7 28 29 30, 300 आंसर खत्म। ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे कर देंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आनंद आ रहा होगा, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, 300 आपका आंसर, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं, आगे पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां आपको चीजें समझना है बता देना। हम पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि
यदि पी का पी परसेंट छत्तीस हो तो पी का मान बताओ। ऑप्शन ए 3600, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 60। ठीक है, ये बोल रहा है। अब देखो भाई इसको करते हैं, कहता है यदि पी का पी परसेंट, पी का मतलब गुणा पी परसेंट, परसेंटेज हटाना है तो पी बटा 100 किसके बराबर है 36 हो तो पी की वैल्यू याद करो। तो भैया क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा तो 3600 हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। ये भैया आंसर, यहां से क्या हो जाएगा पी की वैल्यू अंडर रूट 3600 और इसका मान क्या होता है ये 60 होता है, ये आंसर। ठीक है, पी का आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ऐसे आप इसको कर लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक भैया, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आप क्वेश्चन को जरूर करिएगा। ठीक है, पहले जब हम क्वेश्चन लिखा करें उतनी देर में आप इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास किया करो कि कैसे होंगे, कैसे हम सोचें। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट ना किया करो, जैसा जैसा हम डाटा बोला करें वैसे वैसे नोट करके आप करने का प्रयास किया करो। छठवां क्वेश्चन कहता है कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं हैं, 4/25 महिलाएं हैं, महिलाएं थी, या सदस्यों का कितना प्रतिशत था, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 16%, ऑप्शन 4%। ध्यान देना, हमने आपको बताया क्या कि भैया परसेंटेज अगर लगाने की बात करें तो 100 का गुणा कराते हैं और परसेंटेज हटाने की बात करें तो 100 का डिवाइड कराते हैं। उसने कहा 4/25 महिलाएं थी, यानी उसका ये लिखने का ये तात्पर्य है कि 25 लोगों में से 4 क्या थी, महिलाएं थी। और जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो जो पूछा जाता है ऊपर और जो बताया जाता है नीचे गुणा 100 करते हैं। तो ये भैया ये दे के रखा है 4/25, हमको केवल परसेंटेज निकालना है तो 100 का करा दो गुणा, 25 चौको 16%। मतलब बिल्कुल लल्लू लल्लू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको ऐसे कर, ठीक है, बिल्कुल लल्लू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, ऑप्शन ए 7/9/13, ऑप्शन बी 8/1/3, ऑप्शन सी 7/1/4, ऑप्शन डी 8/1/9। ध्यान देना, कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, पहले 60,000 थी,
अब कितनी हो गई? बोले बढ़ करके 65,000 रुपए। कितना बढ़ा? 5,000 बढ़ा। कितने में से? 60,000 में से। परसेंटेज निकालना है गुणा 100, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, खत्म, ठीक है? अब काटो, 2 तिहाई 6 और ये कितना? 25, तो कितना हो जाएगा? 3, 8, 3 का 24, 1, 25, 8 सही 1/3% आपका आंसर, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोको, ठीक है? जितने लोग हैं लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहे, ठीक है? मोटिवेशन इससे मिलता है, जो मोटिवेशन मिलेगा हम आपको और बेहतर दे पाएंगे, ठीक है? और बेहतर देने का प्रयास है। आप कहीं से भी कंपैरिजन करा लेना, कभी भी आप कंपैरिजन करा लेना। लोग इतना डिटेल में पढ़ाने की कोशिशें नहीं करते हैं, उनको मतलब ये होता है कि केवल बस कोरम पूरा किया जाए। मेरे पास कोरम पूरा करना नहीं है, मुझे ये लगता है कि आपका कल्याण होना चाहिए, ठीक है? इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो जितने लोग लाभ ले सके। अगर आपको ये लगता है कि भैया हम स्मार्ट बोर्ड से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, तो ये केवल चाटक नाटक, ठीक है? चाटक नाटक से अगर बचेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़े, यात्रा में कटौती करनी पड़े। ऑप्शन ए 25%, मतलब जितना जाना था उससे कम जाएगा, 20%, 18%, 15%। ये क्वेश्चन भैया वही है, खर्च में परिवर्तन ना आए, क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो, ठीक है? जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनको कैसे किया जाता है ध्यान से समझना। वही फार्मूला आता है, यम अपान 100 प्लस माइनस यम इंटू कर दो। कब? जब परिवर्तित ना हो तब, परिवर्तित ना हो तब की बात है ये, ठीक है? यम कितना था? 25% की दर से बढ़ रहा है, 25/125/100, 25 × 5 = 125, ठीक है? फिर 5 से काटो तो 20, तो कितना आ जाएगा? 20% की कमी हो जाएगी, 20% की कटौती करनी पड़ेगी। जितनी यात्रा करता था उसमें 20% की कमी अगर ला देगा तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खर्च अपरिवर्तित, ठीक है? ऐसे भाई ध्यान देना, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन कहता है 0.025 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है?
तो बदल दो, 0.025 है। हम क्या करते हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा कराते हैं। 100 का करा दो गुणा, और जब 100 का कराओगे गुणा तो 2.2 अंक पीछे खिसक आएगा, तो 2.5% कितना हो जाएगा, 2.5%। दसवां नंबर क्वेश्चन है, कहता है 0.4 का 5% कितना है। देखो भाई, 0.4 का मतलब गुणा 5%, तो 5/100 कितना है पूछ रहा है। भैया याद करो, इसको दशमलव हटा दो, 10 और बढ़ जाएगा, तो 5 × 20 ये कट गया, तो कितना हो जाएगा, 0.02 आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 0.02 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भैया ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक किसी को कोई समस्या? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, कहता है कि एक कस्बे के 1000 निवासियों में से, एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर, 20% साक्षर है। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 37.5%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 32.5%। ध्यान से समझ लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो ध्यान से इसको समझना, हल्के में ना लेना। हमने देखा कि एक कस्बे में 1000 निवासी थे, ठीक है, लोग कितने निवास करते थे, 1000। अगर पुरुषों की संख्या 60% है तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी 400, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि जिनमें से 20% साक्षर है, 60% पुरुष हैं, जिनमें 20% साक्षर है, इसमें से 20% क्या है, साक्षर, पुरुषों का 20% है साक्षर, तो भैया इसका 20% निकाल दो, कितना आएगा, 120 लोग यहां से साक्षर। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो, अगर साक्षर यहां से देखा जाए तो कुल 25% साक्षर, तो इसका मतलब 250 लोग साक्षर है, कितने लोग, 250 लोग साक्षर हैं। यहां पर 120 आया तो यहां पे डाटा कितना आ जाएगा, 130 आएगा कि नहीं, तभी तो 250 होगा जाके। तो उसने बोला है, तो ये भैया साक्षर आ गई महिलाएं ज्यादा साक्षर, ठीक है, यदि कुल 25% निवासी साक्षर, तो कस्बे में कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं, साक्षर हैं 130, कितने में से, 400 में से, गुणा 100 कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 4 × 12 = 13, ठीक है, 4 × 12 = 13, फिर 4 × 2 = 8, 9 = 10, 4 × 5 = 20, 32.5% महिलाएं क्या है, साक्षर है, 32.5
5% महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं। ऐसे ये क्वेश्चन आप कर दें, ठीक है, क्लियर ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। अगर आप हमें लाइक करके और कमेंट के माध्यम से और सब्सक्राइब के माध्यम से अगर हमारे अंदर मोटिवेशन आप लाएंगे तो हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे, मेरी फुल गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, आपसे कुछ फ्री सब चीज़ें फ्री दी जा रही। गुरु दक्षिणा के रूप में आप केवल यही ध्यान दो भैया, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।